मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 29 अक्टूबर 2023 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 27 फरवरी 1996। मुरली का सार है, सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। मुरली का सार, सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। तो चलिए बहुत प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने चारों ओर के सत्यता की शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं व समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है, क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना। मैं आत्मा हूं ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना कि मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ बॉडी के हिसाब से, वह सत्य स्वरूप था। पूछ रहे हैं बाबा, बाबा कहते सत्य स्वरूप है पहले स्व स्वरूप और फिर बाप के सत्य परिचय को जाना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया है। और तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। तो यह चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है, तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। आपका पार्ट अच्छा है ना, तो सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे, लेकिन आपका देवात्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पाठ बजाती हैं, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। और आप देवात्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र हैं, जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी है ही नहीं। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देवात्मा का पाठ याद है, बाबा ने पूछा कि आपको याद है आपका देवात्मा का पाठ, पांडवों को याद है? तो देवात्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती हैं, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से, नेचुरल नहीं है, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ना नेचुरल है ना नेचर रूप में है। और आपकी आधा कल्प की पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है, तो कोई पुरुषार्थ वहां नहीं है, है ना। सत्युग तीर्थ में तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं, वहां पर तो नेचुरल रूप में हम पवित्र होंगे। तो बाबा कहते यहाँ का पुरुषार्थ वहां नेचुरल हो जाता है, क्योंकि वहां अपवित्रता का नाम निशान नहीं, मालूम ही नहीं कि अपवित्रता भी होती है। इसलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझें, लेकिन स्वस्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते, अपना पता ही नहीं उनको, और बाप के सत्य परिचय को भी नहीं जानते।
तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे, क्योंकि जो असली सत्य है उसको तो जानते नहीं, ना स्वयं को जानते ना बाप को जानते। तो बाबा कहते वो तो संपूर्ण सत्य स्वरूप है ही नहीं है, और आप में भी सत्य की शक्ति सदा तब रहेगी, कब, जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी। तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। अभी कभी भूल भी जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो तो क्या होता है, तो संकल्प सदा सत्य के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो, वो सदा नहीं रहता, है ना, सदा नहीं रहता। और बाबा कहते हैं व्यर्थ भी होता है, होता है ना, तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे, झूठ तो बोला ही नहीं तो क्यों नहीं सत्य है। ऐसी बात है कि झूठ नहीं कहा तो इसका मतलब सब कुछ सत्य है। तो बाबा कहते हैं अगर कोई ये समझ कर बैठे कि मैं तो कभी भी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती हूं, लेकिन सत्यता की परख है, तो क्या परख है, बाबा कहते क्या परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता अनुभव हो। बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है। देखते हो ना कि कई बार बार कहेंगे कि मैं सच बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ, मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरों को आपका सच सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे कि आप तो अपने को सिद्ध कर रहे हो, प्रूव कर रहे हो, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि ये सत्य है। तो क्योंकि दिव्यता नहीं है ना उसमें, दिव्यता ना होने के कारण उनको सच सच में ही नहीं दिखाई देता। तो सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं ना, तो वे दिव्यता दिखाई नहीं देती है। ये साधारणता है जो दुनिया में भी करते हैं। और बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना होगा ना, कि जो सच्चा होगा वो कैसे दिखाई देगा। कैसे कहते थे साकार बाबा, सच तो नच, सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो फिर उसको जब जिद करके सिद्ध करते हो ना, तो आप अपना या दूसरों का चेहरा नोट करेंगे, क्या दिखेगा कि खुशी नहीं होगी उस पर, थोड़ा सोचने का और थोड़ा उदासी का होगा, नाचने का नहीं होगा। सच तो बिट्ठो नच, सच्चा खुशी में नाचता है। तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छे लगते हैं, और थोड़ा सा भी सत्य में असत्य मिक्स है तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होके, चाहे संकल्प हो, चाहे बोल हो, और चाहे कर्म करना हो। कैसे करना है, सत्य स्वरूप में स्थित होकर। तो आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल तो सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती हैं कि कहीं कहीं चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। उसको झूठ नहीं कहते लेकिन चतुराई कहते हैं। तो चतुराई क्या है, क्या है चतुराई, ये तो करना ही पड़ता है। तो वह स्पष्ट बोलते हैं और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं। दुनिया वाले स्पष्ट बोलते हैं और ब्राह्मण, बाबा कहते बड़ा रॉयल्टी से बोलते हैं। कैसे, फिर कहते हैं कि मेरा भाव नहीं था, भावना भी नहीं थी ना भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, साकार है ना, निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो कि शिव बाप तो निराकार ऊपर मजे में बैठा है, नीचे आए तो पता पड़े ना उनको कि क्या सिचुएशन है, कैसे हमें मजबूर होकर करना ही पड़ता है। लेकिन बाबा कहते ब्रह्मा बाप तो साकार रूप में आपके साथ ही रहे ना, स्टूडेंट भी रहे, और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी ऑपोजिशन हुई तो भी वो चलाकी से चला चला ब्रह्मा बाबा। लोगों ने कितनी राय दी कि आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना ही है, ऐसे कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया,
सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है। लेकिन वो हार हार नहीं है, उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। तो सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हैं। सत्यता की शक्ति थी तभी तो डायमंड जुबली तक पहुंचे ना। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरों से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है ना, वो नहीं होती। चाहे प्यादा भी है, नंबरवार तो है ही ना, महारथी भी है, नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी हैं, अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी हैं, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते और कहते हैं और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ही ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा सा बोल दिए, तो ये संपूर्ण सत्यता नहीं है। मन में तो सोचना ही नहीं और मुख से भी ऐसे कैजुअल नहीं बोलना। तो बाबा कहते अगर थोड़ा सा भी ऐसे कैजुअली बोल दिया तो वो क्या है, सत्यता नहीं है, संपूर्ण सत्यता नहीं है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता है ना, तो वह सहन नहीं है। भल बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वो सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमजोर हो जाता है ना, तो उसे असत्य का सहारा जरूर लेना पड़ता है। कमजोर हो गया तो झूठ तो बोलना पड़ेगा, क्या करें अब। तो उस समय ऐसे लगता है कि जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, झूठ बोल दिया ना, अब ठीक हो गया सारा काम। तो बाबा क्या कहते हैं, उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती। तो बाहर से ऐसे समझेंगे कि हम बहुत अच्छे चलते हैं, हमको चलने की चतुराई आ गई है, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसलिए चतुराई से नहीं चलो। क्या कहते बाबा, चतुराई से नहीं चलो, एक दो को देखकर भी कॉपी करते हैं कि ये तो ऐसे चलती है ना, तो इसका नाम तो बहुत अच्छा हो गया है, ये तो बहुत आगे हो गई है, और हम सच्चे चलते हैं ना, तो हम पीछे के पीछे ही रह गए। तो बाबा कहते हैं, लेकिन वो पीछे रहना नहीं है, वो आगे बढ़ना है। बाप के आगे आगे बढ़ते हो, बाबा के आगे क्या करेंगे, हम आगे ही जाते हैं। अगर सहन करते हैं तो उसके कारण हम पीछे नहीं हो गए, बाप की नजरों में हम आगे ही बढ़ते हैं। और दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी हूं, लेकिन काम किसके हैं, किसका काम है, बाप से काम है या आत्माओं से है। तो बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। और अगर यहां आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हैं तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान भी मिलता है, और भाषण करने वालों की लिस्ट में भी आते हो, और सेंटर संभालने वालों की लिस्ट में भी आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती। जिसको बाप दादा कहते हैं, मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा ही फल खा गए, और हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है। तो अल्पकाल के शान, मान, नाम के लिए कॉपी नहीं करो। यहां नाम नहीं है, लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम है। इसलिए डायमंड बनना है तो ये सब चेकिंग करो, जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो, कुछ भी सहन करना पड़े घबराओ नहीं, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा, तो कहते भी हो ना कि सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं, तो किनारा तो ले लेंगे ना। निर्भय बनो, अगर कहां भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियां तो थी, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियां रही, लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए।
बच्चों की खिचखिच ब्रह्मा बाप ने नहीं देखी क्या? है ना, तो देखी ना उन्होंने भी, ब्रह्मा बाप के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रही, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए सत्यता की स्वस्थिति ने संपूर्ण बना दिया। तो आप सबको क्या बनना है? चतुराई तो नहीं है ना, बहुत अच्छा बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन कब तक? तो सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो, प्रभाव में नहीं आ जाओ। कई समझते हैं कि हमने महारथियों में भी ऐसे देखा ना, तो फॉलो तो महारथियों को करना है ना। अभी ब्रह्मा बाबा तो सामने है ही नहीं, महारथी हैं उनको फॉलो किया, लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता है, चतुराई से चलता है, तो उस समय महारथी महारथी नहीं है। बाबा कहते हैं उस समय वो महारथी भी महारथी नहीं है, उस समय ग्रहचारी में है, ना कि महारथी है। इसलिए बाप ने क्या स्लोगन दिया, फॉलो फादर के फॉलो सिस्टर ब्रदर। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन वह भी फॉलो फादर करते हैं, तो आपको क्या करना है? फॉलो फादर। पक्का? ये थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है तो ले लो, भविष्य में देखे जाएगा। कई ऐसे भी सोचते हैं कि सत्युग में चाहे कम पद पाएंगे, लेकिन सुखी तो होंगे ही, दुख तो होगा ही नहीं, सब प्राप्तियां तो होंगी, तो चाहे प्रजा की भी प्रजा होगी तो भी अप्राप्ति तो होगी ही नहीं, तो अभी तो मजा ले लें, पीछे देखा जाएगा। लेकिन ये अल्पकाल का मजा सजा के भागी बना देगा, तो वह मंजूर है? सजा खाएंगे थोड़ी थोड़ी, वो भी मजा ले लो, सजा का मजा ले लो, बाबा कहते नहीं। तो बाबा कहते कि ये तीनों बातें याद रखो, क्योंकि सजा नहीं ना लेनी किसी भी बच्चे ने। तो बाबा कहते तीनों बातें याद रखो, पहली पवित्रता, दूसरी सत्यता, और तीसरी दिव्यता। तो ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, और साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो कि कोई भी विकार के वश कर्म करना यह पाप है, ऐसे समझाते हो ना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन वचन और कर्म करना। किसके आधार पर? दिव्य गुण के आधार पर मन वचन और कर्म करना। तो सत्यता का महत्व जाना, जाना। तो बाबा ने ड्रिल करवाई, कौन सी? कि एक सेकेंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो। क्यों? संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूं, तो कितना टाइम लगा? सेकेंड लगा ना। तो सेकेंड में अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे, ये ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो, तो करने में आती है ना। तो अभी सब एक सेकेंड में सब कुछ भूलकर एकदम अशरीरी बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाले, सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सत्युग अर्थात सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाले, सदा हर समय मन वाणी कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यास वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा कहते कि इस ड्रिल को दिन में जितनी बार ज्यादा कर सको उतना करते रहना, चाहे एक मिनट करो,
तीन मिनट, दो मिनट का टाइम भी ना हो ना, तो एक मिनट, आधा मिनट ये अभ्यास करने से लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मेहनत मिलेगी। बन सकते हैं ना? तो अभी सभी अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते करते टाइम पूरा हो गया, तो सेकंड में बन सकते हो ना? बहुत काम है फिर भी बन सकते हो, बन सकते हो, मुश्किल नहीं है ना? तो यूएनए में बहुत भाग दौड़ कर रही हो और अशरीरी बनने की कोशिश करो, होगा? भाग दौड़ में बाबा पूछ रहे हो जाएगा। अगर ये अभ्यास समय प्रति समय करेंगे ना, तो ऐसे ही नेचुरल हो जाएगा। जैसे शरीर के भार में आना, मेहनत करते हो क्या कि मैं फलानी हूं, ये मेहनत करते हो? नेचुरल है ना, तो ये भी नेचुरल हो जाएगा। जब चाहो अशरीरी बनो और जब चाहो शरीर में आओ, अच्छा काम है। आओ इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूं वो नहीं भूले। करने वाली नहीं हूं, कराने वाली हूं। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे ही शरीर से काम कराते हुए भी कराने वाली मैं अलग हूं, ये प्रैक्टिस करो। तो कभी भी बॉडी कॉन्शियस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे। समझा? बाबा ने आज वरदान दिया कि स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। जो सदा स्नेह के सागर में समाए रहते हैं, उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध-बुध नहीं रहती। स्नेह में समाए होने के कारण वे सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं कि ये तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं, है ना? दुनिया वालों को लगता है तो खोए हुए, गुमी हुए रहते हैं, और बाबा क्या कहते हैं, लेकिन वो बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति ही नहीं, मेरा मेरा सब खत्म, लेकिन अनेक मेरा मैला बना देते हैं। तो एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता है और आत्मा पवित्र बन जाती है। स्लोगन है, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।